शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। कोरोना काल में बसों का 130 करोड़ का टैक्स होगा माफ। दतिया के भांडेर में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव को मंत्री उषा ठाकुर ने बताया देशभक्तों और देशद्रोहियों का चुनाव, कहा कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर बिगाड़ा सामाजिक सौहार्द। मंत्री पीसी शर्मा का पलटवार, देशभक्त कांग्रेस है और बीजेपी देशद्रोही। कांग्रेस में टिकट दावेदारों को लेकर हाथापाई पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, बोले ये कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस। पार्षद टिकट को लेकर कांग्रेस की बैठक में हुई थी मारपीट। एक बार फिर इंदौर ने मारी माजी। ईट राइट चैलेंज स्पर्धा में इंदौर नंबर वन, भोपाल को मिला तीसरा स्थान। 188 शहरों ने प्रतियोगिता में लिया था भाग। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लगा झटका, नए बिजली कनेक्शन 70% हुए महंगे। मीटर टेस्टिंग चार्ज में भी बढ़ोतरी।